आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से हमारे साथी सत्येंद्र जैन जी को बहुत साजिश करके बहुत झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद करके रखा हुआ है। साजिश करके जेल में बंद रखा हुआ है वो तो है ही। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। इस देश में बीमार कोई भी हो सकता है, देश के प्रधानमंत्री भी बीमार हो सकते हैं, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है, कोई लाट साहब भी बीमार हो सकता है, उनको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है, कोई आम आदमी भी बीमार हो सकता है, जेल में बंद कोई आदमी भी बीमार हो सकता है, उसको भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी के इलाज को, किसी की बीमारी को इस तरह की घटिया हरकत करना, उसके इलाज के वीडियो जारी करके इस तरह की घटिया हरकत करना, ऐसा बीजेपी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। बीमार कोई भी हो सकता है, इलाज किसी की जरूरत हो सकती है, इलाज किसी को भी दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री से लेकर जेल में बंद किसी भी आदमी को जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी की बीमारी और किसी के इलाज को इस हद तक घटिया पने पर उतरकर उस पर राजनीति करना, ये महारत केवल भारतीय जनता पार्टी को आती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और कर सकता है इस तरह का घटिया काम। 6 महीने से सत्येंद्र जेल में बंद हैं। मैं आपके सामने रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब सत्येंद्र जेल में बंद हैं, जब से उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है, उनकी स्पाइन में, मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं L5S1 वर्टिब्रा यानी L5 डिस्क, उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है। ये सब रिकॉर्ड पे है, मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड रिकॉर्ड पे है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उनकी नर्व पिंच हो गई है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, उसके बाद में उनकी 2 सर्जरी वहाँ पे हुई हैं, वहाँ पर उनकी 2 सर्जरी की गई हैं, 2 ऑपरेशन करके उनके नर्व ब्लॉक डाले गए हैं उसमें, इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं नर्व ब्लॉक डाले गए हैं, और साथ साथ डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहाँ से डिस्चार्ज करते हुए। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहाँ से उनको वापस जेल भेजा गया, तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। अब किसी आदमी को चोट लगी है, डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो, आपको शर्म नहीं आती है? एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया, तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि MCD और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। किसी इंसान की बीमारी का इलाज बना के चुनाव जीतने की साजिश करना, चुनाव जीतने की कोशिश करना, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता है, इससे बुरी सोच कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन आप कितना बुरा हो सकते हो और कितने घटिया हो सकते हो, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इसकी आपसे अपेक्षा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों की, आपको इंसानियत नाम की कोई चीज़ आप में बची है। कोई आदमी को गलत तरीके से जेल में डालते हो अपनी सारी सत्ता का दुरुपयोग करके, सारे पदों का दुरुपयोग करके, कभी कोर्ट बदल देते हो, कभी जज बदलवा देते हो, कभी जाके वहां पे वकील बदलते हो, और जब सारे हथकंडे आपके नाप कामयाब हो गए
तो आप उसके बीमारी का इलाज का वीडियो जारी करके उसका मजाक बना रहे हो। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का, उन तमाम लोगों को जो इस वीडियो को दिखा के मजाक बना रहे हैं कि किसी आदमी का इलाज हो रहा है और आप उसको कह रहे हो वहां पे थेरेपी, और क्या है उस वीडियो में? उसकी गर्दन दबाई जा रही है, नेक पे प्रेशर दिया जा रहा है, पैर में प्रेशर दिया जा रहा है, यह कोई मसाज पार्लर की थेरेपी दी जा रही है? किसी मसाज पार्लर में बिठा के उसको बॉडी थेरेपी दी जा रही है क्या? बॉडी मसाज कराई जा रही है क्या? लग्जरी है क्या वो? किसी भी बीमार आदमी को जरूरत पड़ सकती है, और ईश्वर ना करे कि किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी को जरूरत पड़े, लेकिन यही थेरेपी लेनी पड़ेगी, यही इलाज कराना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को भी अगर होता है तो। एक आदमी अगर जेल में बंद है आपकी साजिशों के तहत और आप उसको जबरदस्ती जेल में डाल के रखे हुए हो और अब उसका मजाक बना रहे हो आप उसकी बीमारी का। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेडिकल रिकॉर्ड भी दे रहा हूं मैं सबको, देश की किसी भी जेल का वीडियो उठा के देख लीजिए। कानून में जेल में बंद आदमी को अधिकार है कि अगर उसको कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज दिया जाएगा, उसको इलाज दिया जाएगा, उसको हो सकता है थेरेपी दी जा रही हो। आप जेल की किसी भी, आज देश की किसी भी जेल का CCTV निकलवा दीजिए, किसी ना किसी मरीज को वहां उस तरह की थेरेपी, आपको फिजियोथेरेपी के वीडियो मिल जाएंगे। और लास्ट में यह भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने इस वीडियो के जारी करने पर, इसको रिलीज करने पर, इसको लीक करने पर ईडी को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसको लीक नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद ये वीडियो लीक किया गया मजाक बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को कामयाब करने के लिए, और चलाया जा रहा है। ये कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, इस पर हम अलग से कार्रवाई करेंगे। तो जेल में जैसे रखा जाता है वैसे ही रह रहे हैं। जेल में कोई कैदियों के एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी नहीं है। जेल में केवल जिनको जेल का मैनुअल पता है, जिन्होंने जेल के मैनुअल बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों को बकवास करने से पहले जेल का मैनुअल पढ़ना चाहिए। जेल में कैदियों के मिलने पे एक दूसरे से पाबंदी नहीं होती है। एक सेल में जो लोग बंद हैं वो आपस में मिलते हैं। नहीं, कोर्ट ने इसको पहले से ही, इसके लीक करने पर, इसके जारी करने पर पहले से ही रोक लगा रखी है। ये इल्लीगल तरीके से किया गया, इस पर तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं उसके लीगलिटी पे जा ही नहीं रहा, मैं तो इस पे जा रहा हूँ कि कितनी घटिया, और कितनी घटिया सोच और घटिया हरकत पर ये लोग उतर आए हैं। ये लोग गुजरात का चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम का चुनाव कूड़े के मुद्दे पर लड़े ना, जो पार्कों की हालत बुरी कर रखी है, एक एक गली में आवारा पशु घूम रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है बोलने की। भारतीय जनता पार्टी एक वीडियो लेके आती है किसी बीमार आदमी का, उसको दी जा रही थेरेपी का, और उसके बाद में उसका मजाक बना रही है खड़े होके। हिम्मत है तो मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखाएं। 15 साल से दिल्ली की जनता को जो धोखा दिया है उस पर चुनाव लड़के दिखाएं। ये नौटंकी करके क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, भारतीय किसी आदमी को थेरेपी दी जा रही है, वहां से आप वीडियो निकाल के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका मजाक बनाते हो, इससे घटिया राजनीति देश में क्या हो सकती है? पूरे दिल्ली, पूरा देश, सारी पुलिस, सब इनकी है। ये जो जो निश्चा कर लें कर लें, लेकिन जीतेगी आम आदमी पार्टी। ये बीजेपी की मनोहर कहानियों से ऐसे मंत्री पद से थोड़ी हटा दिया जाएगा।